नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रेत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आपको बताया कि हम आरएस 2018 भर्ती से जुड़ी हुई हर अपडेट आपके सामने लाते रहते हैं। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, आज एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें कहा गया है कि आरएस मेंस जो परीक्षा हुई थी और जिसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, अब जो है आरपीसी जो है आपके इंटरव्यू करवाने की कवायद में जुट गई, यानी कब तक आपके इंटरव्यू हो सकते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कटिंग है कि अब आरएस साक्षात्कार करने में जुटेगा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की तैयारी में जुटेगा। आयोग अगस्त के अंतिम सप्ताह अथवा सितंबर में आरएस के साक्षात्कार करेगा। आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश अनुसार आरएस मुख्य परीक्षा 2018 के परिणाम जारी कर दिया। आरएस एवं अधीनस्थ सेवाओं के लिए 151 पदों के विरुद्ध आयोग ने टीएसपी में 57 और नॉन टीएसपी में 153 अभ्यर्थियों का स्थायी रूप से उत्तीर्ण किया है। देना होगा एक महीने का वक्त। आयोग ने मुख्य परीक्षा परिणाम जारी करके उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साक्षात्कार करवाए जाएंगे। नियम अनुसार आयोग को अभ्यर्थियों की अधिसूचना जारी करके एक महीने का समय देना होगा। यानी ये जो इंटरव्यू है आपके, या तो अगस्त के लास्ट में होंगे या सितंबर के फर्स्ट वीक में। इससे पहले जो है आरपीसी को नोटिफिकेशन जारी करना होगा और नोटिफिकेशन में आपको एक महीने का समय देना होगा। तो ये हो सकता है कि विद इन कुछ देर में आपका जो ये आरएस नोटिफिकेशन है, इंटरव्यू नोटिफिकेशन, वो साइट पर आपको मिल सकता है। तो ये एक सूचना थी जो मैंने आपको दे दी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आरएस 2018 भर्ती से जुड़ी हर अपडेट पाना चाहते हैं तो एक ही काम करना है, विपुल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास में लगी बेल की घंटी को प्रेस कर देना है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।